मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन कूड़ाघाट स्थित निर्माणाधीन एम्स कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। सीएम मंगलवार को लगभग 2 बजे कूड़ाघाट स्थित एम्स निर्माण परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स निर्माण को लेकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने हाइट्स कंपनी के अधिकारियों से डिजाइन एवं लेआउट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और 3D नक्शे के माध्यम से एम्स के स्वरूप की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीएम ने एम्स स्थल पर ध्वज हो रहे पुराने बिल्डिंग के मलबे को भी शीघ्रता से हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने हाइट्स कंपनी के अधिकारियों से एम्स के निर्माण कार्य को तेजी से कर निर्माण कार्य पूर्ण कर किए जाने की बात कही। सीएम से संबंधित अधिकारियों को मार्च 2019 तक ओपीडी एवं आयुष विंग का निर्माण पूरा कर किए जाने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, आईजी नीलाब्जा चौधरी, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एम्स लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है, जिसे 2 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। फ्रंट में ये ओपीडी ब्लॉक रहेगा जो जितने स्टूल स्टोरेज रहेगा, इसके पीछे में दूसरा स्टोर स्टोरेज का हॉस्पिटल ब्लॉक रहेगा। हमने हॉस्पिटल में एंट्री के लिए लेबर लेन्स का प्रोग्राम किया है, ताकि फूड ट्रैफिक सीधा निकल जाए और तुरंत तरीके से हॉस्पिटल में एंटर करने में एक लेन के थ्रू में एक क्यूइंग स्पेस बना है। इसके बियॉन्ड वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमने 40 ब्लॉक का प्रोविजन किया है, जिसमें 21 ब्लॉक का प्रोविजन होगा, प्लस एक हर्बल गार्डन है। इसके दक्षिण की तरफ में 500 सीटर कैपेसिटी है और इसके नर्सिंग कॉलेज प्रोवाइडेड है, जिसमें 100 एडमिशन मेडिकल के और 60 एडमिशन नर्सिंग के कैटर किए जाते हैं। इसके फर्दर बेस्ट ईस्ट की तरफ हम आते हैं तो ये हमारा पूरा हॉस्टल सुन है सर। ये नर्सिंग के लिए हमने हॉस्टल एलोकेट किया है। ये यूजी गर्ल्स का हॉस्टल है, ये गाइनिंग ब्लॉक है जिसमें बहुत 600 लोग रहते हैं। ये यूजी बॉयज़ हॉस्टल का प्रोजेक्ट है, ये पूरा पीजी हॉस्टल ब्लॉक है जिसमें मैरिड स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स और बॉयज़ स्टूडेंट्स के सिंगल रूम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक नाइट शेल्टर का प्रोविजन है। ये वाला जो हम ये अभी से 150 लोगों का कैपेसिटी होगा, दूर रहना सेंसिव है क्योंकि एकदम हॉस्पिटल के साथ होगा, तो उसके साथ ये पूरा रेजिडेंशियल जोन है। यहाँ पे हमने टाइप 2 और 3 अपार्टमेंट्स का प्रबंधन किया है, फर्स्ट एंड प्लस 8 स्टोरेज का सपोर्ट स्ट्रक्चर है। एक यहाँ ग्रेड सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन अभी होने वाला है। एक छोटा सा यहाँ है वो वाला दिखा दिया ना, 100 मीटर का रोड और अभी इसको सर 50 मीटर हमने सेंटर लाइन काशा का रोड को रोड किया है, उससे हमें अभी क्लियरेंस मिल रहा है। वेस्ट की तरफ में 30 मीटर तक मिल रहा है और दक्षिण की तरफ में भी 30 मीटर तक अभी आज पर मौसम है। जो मास्टर प्लान में है आप सेंटर लाइन से 50 मीटर पे लेके आ जी सर, ये वाली लाइन उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा? वो बिल्डिंग ये सर शिफ्ट होंगे, ये कहाँ शिफ्ट करेंगे इनको सर? इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप उसके अनुसार उसको कर लीजिए। और इधर क्या है नहीं, उससे कोई मतलब वो तो एक प्लान है उसके अनुसार लोग अपना चाहिए। आप ये यहाँ से 30 मीटर ले रहे हैं, 30 मीटर ठीक है, उसके अनुसार अपना करके अपना कार्य पूरा हो।
उसके भी आगे फेज में सर हम हॉस्पिटल का 300 बेड का कैटरिंग सेटअप करेंगे, प्लस हमारा अपार्टमेंट ब्लॉक टाइप 2 भी करेंगे और टाइप 4 का एक अपार्टमेंट ब्लॉक इस फेज में ऑपरेशन करेंगे। ये हमारा फोर्थ फेज होगा सर, जिसमें मार्क के लॉन्ग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नाइट शेल्टर, ऑडिटोरियम ब्लॉक, यहाँ पे 420 बेड का हॉस्पिटल और एडिशनल होगा। टोटल 720 बेड का हॉस्पिटल हमारा इस फेज में ऑपरेशन होगा। फ्यूचर में सर ये 1800 अपार्टमेंट्स प्रोविजन फॉर है। हॉस्पिटल का नया एक्सपेंशन होगा और मेडिकल कॉलेज का भी एक्सपेंशन होगा। ये हमारा फ्यूचर है सर, हॉस्पिटल में किस तरीके से डॉक्टर से चार्जिंग की बात करते हैं। फ्रंट व्यू है सर हॉस्पिटल का, जो मेन कहाँ से गोरखपुर रोड से जो है, ये हमारा साइड व्यू है जो हम ग्रीन बेल्ट यहाँ पर बनाए। सेंट्रल कोर्ट को हम एक स्टेप आउट स्पेस इंकरेज करना चाहते हैं ताकि पेशेंट यहाँ पे आके घटे रूम स्टे कर पाए। तो मैं आई हूँ इसका सही रीजन मेडिकल कॉलेज में सर हम एयर प्रोविजन कर रहे हैं। नीचे हमारे जो फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट है हमारे नीचे के दो फ्लोर, सेकेंड जो फ्लोर होता है उसके डिपार्टमेंट सब टॉप फ्लोर से नर्सिंग कॉलेज है। ये हमारा मेडिकल कॉलेज का फ्रंट बात करते हैं एम्स गोरखपुर का शिलान्यास 22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। पिछली सरकारों ने इसमें अनेक बाधाएं खड़ी की थी, जमीन का क्लियरेंस नहीं किया था,
तमाम अन्य बाधाएं थी, हमारी सरकार आने के बाद इन सभी को हम लोग पूरा करते हुए आज यहाँ पर गन्ना शोध संस्थान से जुड़े हुए जितने भवन थे उन सबको यहाँ से हटाने की व्यवस्था, उनको दूसरी जगह रिप्लेस करने की व्यवस्था करने के साथ यहाँ पर एम्स के लिए बाउंड्री वाल की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और बाउंड्री के साथ साथ हम लोगों ने अब यहाँ पर ओपीडी ब्लॉक निर्माण के लिए और आयुष भवन के लिए पहले चरण में कार्य प्रारंभ हो गया है। मुझे लगता है कि मार्च 2019 तक यहाँ पर एम्स का ओपीडी, आयुष डायरेक्टर का बंगला और गेस्ट हाउस ये सब बन करके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का है, साथ साथ हॉस्पिटल का है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर उसके साथ ही बननी प्रारंभ होंगी। हमारा प्रयास होगा कि आगामी 2 वर्ष के दौरान एम्स गोरखपुर फुल फ्लेज रूप में यहाँ पे काम करना प्रारंभ कर लेगा। जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं थी एम्स के निर्माण के निर्माण में जो भी बाधाएं थी उन सभी बाधाओं को पूरा किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था इस कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ा करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर रही है और मुझे विश्वास है कि एक समय सीमा के अंदर गोरखपुर एम्स जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की व्यापक भावनाओं से जुड़ा हुआ है इसका निर्माण करके पूर्वी उत्तर प्रदेश को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने में